नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो दिवंगत रामानंद सागर का ब्लॉकबस्टर टीवी शो रामायण एक बार फिर से टीवी पर वापस आने वाला है। आपको बता दें कि ये शो 1987 में दूरदर्शन पर रिलीज किया गया था और काफ़ी फेमस भी हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल लॉकडाउन के दौरान रामायण को वापस से टीवी पर प्रसारित किया गया। साल 2020 में जब इसे टीवी पर प्रसारित किया गया तो दर्शकों का काफ़ी प्यार भी मिला, साथ ही इस शो ने कई नए रिकॉर्ड्स भी कायम कर दिए थे। बता दें कि रामायण के सभी कास्ट सभी सेलिब्स बन चुके हैं, जैसे राम के रूप में अरुण गोविल, सीता के रूप में दीपिका, लक्ष्मण के रूप में सुनील लहरी, रावण के रूप में अरविंद त्रिवेदी और हनुमान के रूप में दारा सिंह को आज भी उनके शानदार एक्टिंग के लिए जाना जाता है। बता दें कि रामायण अब इस गुरुवार से कलर्स चैनल पर आएगा। रामायण प्रभु श्री राम की जीवनी से प्रेरित है, इसे कई एपिसोड्स में बनाया गया है। हालांकि 2020 में इसे कुछ छोटा कर दिया गया था, इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई थी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कलर्स चैनल ने एक बार फिर रामायण को टीवी पर लाने का निर्णय कर दिया है। अरुण गोविल और दीपिका चखलिया आज भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और लोग उन्हें देखने के लिए आज भी उतारू रहते हैं। अरुण गोविल ने कई शो में काम किया है, वहीं दीपिका ने कुछ फिल्मों में भूमिका निभाई है। तीनों ने रामायण की विशेषता भी बताई थी, साथ में इससे कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाता है। रामायण रामानंद सागर ने बहुत ही विस्तार में बनाई है, इसके हर एक पात्र को संजीव करने का प्रयास किया गया है। इसके चलते ये सभी के काफ़ी पसंद आता है और इस बार अब ये कलर्स में दिखने वाला है, जिसको लेकर लोगों में उत्सुकता देखी जा सकती है। तो क्या आप भी रामायण के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।